ये डॉक्टर राज नेहरू ने अभी आई एम शिवा किताब लिखी है, उसका अनावरण भी करेंगे हम साथ में जब इनका अक्टूबर खत्म होगा। और मैं जितने भी यहाँ पे हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं ललवाक के लिए तैयार हैं, उसके बाद हम उनसे ललवाक सुनेंगे, क्योंकि पूरे विश्व में ललवाक की जो एक बाढ़ सी आई है कि ललवाक पूरे समाज से ललवाक निकल रहे हैं, पूरे विश्व के लिए, पूरे ह्यूमैनिटी के लिए ललवाक चाहिए समय, और ये समय की मांग है। डॉक्टर राजन साहनी का बड़ा शुक्र, रविंद्र रवि जी बड़ा बड़ा शुक्र गुजार, मतलब फर्स्ट टाइम टू हेयर योर इंट्रोडक्शन इन कश्मीरी, डिटेल बारीकी सा every cell of my body was very excited, and I'm sure sir, I'm humble to receive kaise it is your patni hai I tell you bahut hai isme jo is par profile kaise ki yaar forum us par chuke hain I say non kashmiri speaking to be madam tishe aap shayad kashmiri nahi samajhte thoda तो मैं प्रेफर करूंगा, मैं कश्मीर में ही बोलना चाहता था, लेकिन क्योंकि कुछ लोग हैं जो मैं पीछे भी देख रहा था, कुछ लोग बैठे हैं जो कश्मीरी नहीं समझ रहे हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं हिंदी में इसका, मैं आया तो था ये सोच के कि मैं कश्मीरी में बोलूंगा क्योंकि सब समा ही कश्मीरी है, लेकिन अगर हमारे फोरम में दो तीन लोग भी ऐसे हैं जो कश्मीरी नहीं समझते हैं, तो इट्स माय ड्यूटी कि हम उस लैंग्वेज में बात करें जिस लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं। इस सब्जेक्ट का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, माता ललेश्वरी के बारे में कहना बहुत ही मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है। डॉक्टर अद्वैत वादनी कॉलेज ने खूब सारा रिसर्च किया है, वो एक प्रोफेशनल राइटर भी हैं, तो उनका नज़रिया और उनका जो अनुभव है वो बहुत बड़ा है। साथ में हमारे डॉक्टर आशीष पॉल भी थे, वो भी एक बहुत प्रख्यात राइटर हैं, तो मैं उनको मैच तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरा प्रयास ये है एक स्टूडेंट के रूप में कि मैं इस विषय के ऊपर जो मेरा अपना विचार है एक स्टूडेंट के रूप में, जो जिस दृष्टिकोण से मैं देखता हूँ उस दृष्टिकोण से मैं बात करूँगा। हमारे इस कार्यक्रम में आज मैं देख रहा हूँ डॉक्टर उषा जी भी आई हुई हैं जम्मू से, उनका भी बहुत बहुत आभार कि वो इतनी दूर चल के यहाँ आई हैं। डॉक्टर बाबूजी हैं, मिसेज बाबूजी भी यहाँ बैठे हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि इनका इस कार्यक्रम में रहना पूरा समय। फरीदाबाद से भी हमारे मित्र आए हैं, मैं देख सकता हूँ कश्मीर साहित्य समिति से, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न था जब हम ये चित्र का अनावरण कर रहे थे, जिन्होंने ये चित्र बनाया है मैडम, आपने चित्र में माता ललेश्वरी के सामने बाल आगे डाले, इसका कोई खास कारण है या ये क्योंकि पीछे कई चित्र इसी प्रकार से चले आ रहे हैं तो उसका कोई खास कारण है? नमस्कार सर। सर एक्चुअली वो एक पोर्ट्रेट होता है हमारे सामने, बिकॉज मुझे इतना ज्यादा नॉलेज नहीं था अभी तक इस चीज का, तो बट आज भी सुना सबको और थोड़े दिन से थोड़ा थोड़ा पढ़ रही हूँ, तो जो आपने बोला कि ऐसे ही पोर्ट्रे होता आ रहा है, तो सो आई थॉट कि हम इसको ऐसे डिपिक्ट करेंगे, बट अगर इस टाइम पे मेरे से पूछा जाए तो आई थिंक कि अगर हम ये चीज नहीं भी बनाते, मतलब उनके जो स्वरूप उनका था बेसिकली, तो वो शायद डिविनिटी ज्यादा आती, तो जो मुझे अब लग रहा है। डॉक्टर अद्वैत वादनी जी, आपका कोई, क्योंकि आपने रिसर्च किया है कि ये जो हम बाल सामने दिखाते हैं इसका कोई खास कारण या किसी को इसके बारे में कोई जानकारी है इसका कोई खास? मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ऐसा कि मैंने सोचा था आपने अगर मुझे 5 मिनट बोलने का लेकर टाइम तो उस वक्त मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर लेता। देखिए लगभग आज से कोई 35 साल पहले कश्मीर समिति ने पूरा एक ललदेद नंबर निकाला था, तो मेरे गुरु प्रोफेसर सरस जाला को मिला था कि एक आर्टिकल आप लिख दीजिए, और उसमें हमने पूरा एक साल लगाया
और हमने पाया ये जो वर्स है जिसमें नंगे नासूत हैं, इट्स फॉल्स, इट्स नॉट ट्रू। और कई लोग जिनमें एक मैंने दो तीन पुस्तकें ललदेद पर पब्लिश की है, पहली किताब मैंने 89 में पब्लिश की थी जब मैं कश्मीर में ही था, तो एक पीएन रैना करके और बड़े साधक हैं, तो उनको ललदेद सपने में आई थी और वो सपने में आई थी एज बटिंग तरंग एंड इट इज नॉट हिस्टोरिकली पॉसिबल because when I, if I will get time, I can explain you what time that was, that any lady would go naked, and because that was the worst time. So I think Lalded was pure poet, palav poet, asal poet. Because I said dharna bani amuchhi, I said so is nangai, that is not to be understood like that. And Shivani ji, I can explain you how you can make further in this regard. Bahut bahut dhanyawad. Thank you. मैं जब मुझे ये टॉपिक पर अजय जी ने कहा कि आप इस पर बोले, तो मेरी एक आदत है क्योंकि एकेडमिक्स में कई साल रहा हूँ, तो थोड़ा रिसर्च करना मेरा एक व्यक्तिगत जिम्मेवारी मुझे लगी। तो मैंने बहुत सारे लोगों को पढ़ा पिछले एक हफ्ते में, जिसमें प्रोफेसर जियालाल कौम जी का लिखा है, नंगलाल तालिब जी का लिखा हुआ है, बी एन पारिमू जी का लिखा हुआ है, बिमला रैना जी का लिखा हुआ है, प्रोफेसर बी एल कौल है और डॉक्टर गड्डा। इन सब लोगों ने ललदेद के बहुत सारे वर्सेस को अपने अपने तरीके से, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा कि उन्होंने भी अपने हिसाब से लिखा है। तो ये जो अभी उत्पल जी ने कहा, इस पर मुझे जो वाक मैंने देखा और जो डिफरेंस देखे, And love us, that Mukamas perverse, because she had reached that level of spiritual attainment, that roaming without clothes is something which is doesn't seem to be. Then I read another writer, Dr. Bimla Rana, and I was very impressed with what she had. She writes, Varanvannam kunai vatsun, vatsun shusavaran vatsun. Vatsun means, when the word is repeatedly given to you. And then she says, Nabar Dukna Mandara Asun Shchir, Magar, Suiga Lajiga Vaktu Vaksun, Tawai Vatun Nahangai Vatsun. Nahangai means not depending on anyone. Now, Yishma Goran Vaksun Dhu. So, Aa means Rom Romasma Stithpur, repeatedly, Tithpoit means shariyasmas, means manasmas, means consciousnessmas. Ki nahangai shwanansa. Now I am not dependent on anyone. I don't need anyone's help. Nor I don't need anyone's help. It also may mean, because what the author says, it may also mean nashwanya paath puja, nashwanya yajna, nashwanya havan, nashwanya puja mandras rasun, nashwanya puja murti puja kare. I am not dependent on nahangaishir. This is one, another way of knowing. Magar, otherwise, nangai words in the pathav. I was also thinking, nangaitish of vayahar vayahar vayahar. Then I tried to explore what nangai would have meant. So nangai would have meant that Krishna was a peeling off. Agar parumpa nangaishtaro means I am exposing myself to everyone.
मींस बुकर वन ऑफ वन एक्सपोज थे मैं अपने आप को तभी एक्सपोज करूंगा दूसरे को जब मेरे में इतनी अवेयरनेस और इतनी कॉन्फिडेंस और इतनी फियरलेसनेस बढ़ गई हो कि अब मुझे अपने आप को एक्सपोज करके किसी का डर ही नहीं तो नंगाई का एक इंटरप्रिटेशन ये भी है कि नाउ लल इज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग एंड शी हैज ड्रॉप्ड ऑल द फसाड्स व्हिच इज नॉर्मली वी हैव अ फसाड आई एम Raj Nehru, I am Vice Chancellor, so I have a facade of being a Vice Chancellor. So I will always have that facade in front of me. But when you reach that level of spiritual attainment, this Vice Chancellor looks to be very small and feeble and very sheepish. Kya sahi Vice Chancellor? I may be a crorepati, what does that crorepati mean? Because you have reached that level. So I will not go on depth of this word, but the question is ki agar lady woman that means she has reached that level where she is finding everything invaluable around her then our nothing is important and nothing is actually making her to move forward it is now on her own that she feels magar sawal ch gaurav karna bodi ho kya ho sab bonus sawal ch then kya ho sab pachho sab vyavah galwa bana the point show बात कर रहे थे कि बच्चे अट्रैक्ट कैसे होंगे इस चीज में तो बच्चे पहले पूछते ही आएंगे ओम अश्वना ओम भाई क्या है इस ओम में क्या मतलब बताओ मुझे एक्सप्लेन तो करो जैसे मंत्र जैसे प्रणव मंत्र बच्चा से भी मुझे थोड़ा समझाओ ना इसका इसकी एक्सप्लेनेशन दो मुझे ये ओम है क्या और मैंने जब इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की मैंने अपनी बुक आई एम श्योर के द्वारा पिछले दो साल में इसको प्रयास कर रहा था देखने का तो आई रियलाइज ओम इज ए वर्ड फॉर एवरीवन एंड ओम इज ए साउंड फॉर मेनी पीपल बट वर्ड एंड साउंड हाउ इज इट सो सिग्निफिकेंट फॉर अस ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसे आप प्रणव मंत्र बोलते हैं क्यों बोलते हैं मतलब क्यों ये आज बच्चों को भी समझना चाहिए इसकी इंपॉर्टेंस कैसे साइंस कैसे तो जब मैं इसको एक्सप्लोर करने लगा तो मुझे लगा इसके पीछे तो बड़ा गहरा साइंस है और ये साइंस ऑफ अल्फाबेट्स है साइंस ऑफ वर्ड्स है जिसमें हम वाक और मात्रिकाओं की बात करते हैं वाक शब्द है वर्ड्स है और मात्रिकाएं साउंड है वर्ड्स और साउंड के अंतर्गत कश्मीर शेरिज्म में पूरा मात्रिका विज्ञान है मात्रिका साइंस है मैं ज्यादा लंबा नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि हमारा आज साइंस भी फिजिक्स भी ये कहता है कि जो पूरा ये भूमंडल है यानी जो पूरी यूनिवर्स है इट इज ऑन द सबस्ट्रेटम ऑफ वाइब्रेटिंग एनर्जी यानी ये सारा ब्रह्मांड एक वाइब्रेटिंग एनर्जी है जो साइंस के मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं रहा हूं बारहवीं तक ही पढ़ी है लेकिन इंटरेस्ट मेरा जगा पिछले एक दो साल में तो प्रश्न आया कि साउंड क्रिएट करती है वाइब्रेशन और वाइब्रेशन कैरी करती है एनर्जी तो साउंड वाइब्रेशन है वाइब्रेशन एनर्जी कैरी करती है और ये एनर्जी ही पूरी यूनिवर्स है तो शिव जो है वो कॉन्शियसनेस जो अद्वैत जी ने भी बोला कॉन्शियसनेस मींस अवेयरनेस अवेयरनेस मींस कौन सी वाली अवेयरनेस एक अवेयरनेस है आई एम राज नेहरू ही इज सुनील कौर आई एम राज नेहरू ही इज उत्पल कौर तो दिस इज वन अवेयरनेस बट आई एम नॉट कश्मीर शैविज्म इस अवेयरनेस की बात नहीं करता कश्मीर शैविज्म में इस अवेयरनेस में ड्वेलिटी है क्योंकि मैं हूं और उत्पल जी तो दो लोग हो ना मैं हूं ये टेबल है मैं हूं ये फोटोग्राफर है तो मैं भी हूं ये भी है ये तो द्वैत है ड्वेलिटी है तो कश्मीर शैविज्म में ड्वेलिटी है ही नहीं तो इसलिए कश्मीर में शिव अद्वैत है यानी वो एक ऐसी वाइब्रेटिंग एनर्जी है जिसमें ड्वेलिटी है ही नहीं
जिसमें क्रिएटर और क्रिएशन एक ही है। तो अब सवाल आया कि साउंड से वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से एनर्जी, ये पूरी यूनिवर्स एनर्जी की वाइब्रेशन, ये टेबल भी टेबल नहीं है, ये टेबल भी बंडल ऑफ टाइटली हेल्ड एनर्जी है, उसे होल्ड कौन करता है, इसे होल्ड करता है जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस है, वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस इसे होल्ड करते हैं और हमें इल्यूजन लगता है कि टेबल है, लेकिन ये उन सटल फ्रीक्वेंसीज का एक आउटपुट है। अब ये जो सारी एनर्जी इस पूरी यूनिवर्स को होल्ड किए हुए है, ये एनर्जी डिफरेंट लेवल्स पर वाइब्रेट करती है, कोई सॉलिड लेवल पर वाइब्रेट करती है, कोई लिक्विड लेवल पर वाइब्रेट करती है, कोई गैसियस लेवल पे, जो मैं 10वीं 11वीं में पढ़ा, तीनों मैटर है लेकिन तीनों वाइब्रेटिंग एनर्जी है और तीनों अलग अलग स्तर पर वाइब्रेट कर रहे हैं। तो यानी अब हमें समझना है कि अच्छा ये तो समझ में आ गया कि ये टेबल टेबल नहीं है, महाराज राजदेव नहीं है, ये सुमीर नहीं है, हम सब लोग वाइब्रेटिंग एनर्जी है और ये सारी वाइब्रेटिंग एनर्जी एक ही वाइब्रेटिंग एनर्जी का विस्तार है। तो अब सवाल आया फिर ओम का क्या मतलब, तो ओम का मतलब है ये वर्ड है और साउंड है और इस साउंड से वाइब्रेशन निकल रही है, वाइब्रेशन से एनर्जी निकल रही है। तो ओम की इंपॉर्टेंस क्या है, तो ओम की इंपॉर्टेंस है भाई इसमें दो शब्द है और बीच में एक मिडल शब्द है, एक आ है और एक म है और बीच में ऊ है। अब ये आ ऊ और म जब हम किसी को समझाते हैं तो इसमें तो पूरा मातृका रहस्य छिपा हुआ है। मातृका रहस्य मतलब जैसे अ शब्द है, ये पहला प्रणव शब्द है, इसे अनुत्तर शब्द भी बोलते हैं। अनुत्तर मतलब आ का उत्तर है, क्योंकि पूछेंगे भाई आ से पहले क्या आया, बोलेंगे अ, कोई पूछेगा अ से पहले क्या आया, आप अ से पहले कोई साउंड है ही नहीं। तो ये पहला ब्रह्म शब्द है क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में पहली जो आवाज निकलती है वो है अ की आवाज। बच्चा पैदा होता है तो अ, कोई साउंड भी आप सुनोगे तो अ उसकी फाउंडेशनल साउंड है और म जो है वो उसकी क्लोजिंग साउंड है, उसे भैरव भी बोलते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन अ और म के बीच में ही सारी साउंड निकलती है। आप कोई भी शब्द उठा लो मातृकाओं में, क ख ग ग ल ट ठ ड ढ ण प फ ब भ च छ ज ज ण, किसी भी शब्द को उठाओ उसकी फाउंडेशन अ से होगी, क उसमें अ भी है, म अ भी है, य अ भी है। ऐसा कोई शब्द नहीं है दुनिया में जिसमें अ नहीं होगा। और म जो है वो अंतिम शब्द है क्योंकि इसके बाद में शब्द बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये आपका म बंद लग गया के बाद में, उसके बाद सिर्फ साउंड ही आएगी। तो ये जो अ म है, ये औम जो है ये प्रणव शब्द है क्योंकि ये फाउंडेशन है सारे शब्दों, यानी दुनिया में कोई भी शब्द अगर है तो वो इसी आ उ म से निकला हुआ शब्द है। और ये आ उ म हमारे लिए शब्द हो सकते हैं लेकिन इन शब्दों की वाइब्रेशन है और उन वाइब्रेशन से एनर्जी निकलती है जो पूरे कॉस्मोस, पूरी यूनिवर्स में है और हम उसी एनर्जी का एक स्ट्रिंग है और हम में भी आ उ म का गुंजन अंदर होता है। और लल जो कहती है वो कहती है ओमय अक्वी अक्षुर गुरुम सुई में रटू वंदस्म। वंद क्यों बोलते हैं, वंद इस हृदय क्यों बोलते हैं, वंदस्म क्या है तुम, बिकॉज कुंडलिनी में जो वंद है, जो हार्ट चक्र है, अनाहत चक्र है, यहां पे साउंड गरजती है, ओम की वाइब्रेट होती, तो वो कहती इसलिए है ओमय आपको अक्षर करूं सुई में आए रोटो वंदस्म। तो ये जो ओम है ये
जब हम बात और की करते हैं, आपको एक और चीज बताऊं, दुनिया में जितने भी रिलीजन हैं, चाहे भारत में आप हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, सब अलग अलग मतों में मानते होंगे, लेकिन एक चीज में सबकी सहमति है, वो है ओम में। क्योंकि सब ये मानते हैं कि ओम फाउंडेशन है, लेकिन भारत के बाहर भी देशों में ओम किसी और प्रकार से बोला जाता है। जैसे इस्लाम में आमीन, आम, वो भी ओम का ही एक विकृत शब्द है। ज्यूस, ईसाई, आमीन, आमीन, ये भी आ और मह का ही विकृत शब्द है। तो आपको दुनिया भर में इस आ और मह में अलग अलग फिलोसफीज होंगी, लेकिन इसका जो मूल बेसिक साइंस है वो भारत ने मातृकाओं में दिया, वाक्यों में दिया। और इसलिए इस शब्द की, ओम शब्द की बहुत मान्यता है। इसमें जो अ उ म है, ये शिव के पंचकृतों से भी जुड़ा हुआ है। शिव के पंचकृत हैं, शिव जो है द अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, द वाइब्रेटिंग एनर्जी के पांच कृत्य हैं। उसके जो तीन कृत्य हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिसे हम कहते हैं सृष्टि, स्थिति और संहार, यानी क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिसोल्यूशन। ये तीन इंपॉर्टेंट कृत्य हैं, और दो इंपॉर्टेंट कृत्य और हैं, वो है तिरोधान और अनुग्रह। तिरोधान का मतलब हाइडिंग, माया, मतलब मुझे दिख नहीं रहा कि सुमीर और मैं एक ही हैं, हम एक ही वाइब्रेटिंग एनर्जी के दो चीजें हैं, लेकिन माया मुझे सुनील से अलग कर देती है। मुझे लगता है सुनील तो अलग है, उत्पल जी तो अलग है, ये टेबल अलग है, क्योंकि बीच में जो ये माया है, तिरोधान शिव का ही एक कार्य है, ये पंचकृतों में शिव का एक कृत्य, यानी अल्टीमेट कॉन्शियसनेस का जो 36 तत्वों की बात की गई, उसमें एक तत्व है, वो है माया तत्व। क्योंकि हमें जो शिव है वो परा है, जो हम हैं वो अपरा है, और परा और अपरा के बीच में परा परा जो माया है, माया में परा का भी अंश है, अपरा का भी अंश है, और वो हमें ये अद्वैत देखने नहीं देता, हमें द्वैत देखता है, दो दिखते हैं। और जब इसका हम सुमिरन करते हैं, ओमई अपूर अक्षुर गुरु सुई माल्य रोटम वनस्मस, सुई माल्य कहे कह गुरु तुरु अस्त्र सचिस स्वर्ण। अब इसमें भी एक शब्द है बड़ा इंपॉर्टेंट, जो मुझे विमला रहना जी की इस किताब से मिला, बाकी लोगों ने उसके ऊपर जो लिखा है उन्होंने कहा सुई माल्य कनिपट गुरुत्व चोरु, तो हमें लगता है शब्द पत्थर, लेकिन विमला रहना जी लिखती है सुई माल्य कनिपट कौन, कनि तो कौन से फर्क, वो कौन है जिसको हम बोलते हैं ये पॉइंट, या तो आज्ञा चक्र दिशा, मतलब शी हैज डन सो मच ऑफ तपस्या कि यार पॉइंट एट टाइम यू ओम शब्द इज लाइक अ गुरुमुक्त चोरुमुक्त एंड अल्टीमेटली शी हैज बिकम बोल्ड व्हाट शी सेज आसस अस द स्वप्न सॉन ओ अर्सस रा आई वाज जस्ट ऐश And when he has son, I will give more. And ये example उसके व्यवहार में भी दिखता है। उसकी जो सास थी, वो बहुत परेशान करती थी उसको। जो आपने भी कहा, और उसने की बड़ी एक सुंदर सी कहानी, और वो दर्शाती है कि ये वाह कैसे वो demonstrate करती थी। उसकी जो सास थी, उसके तो father in law कहा जाता है कि he was very moderate, वो उसे अच्छा नहीं लगता था कि उसको तंग किया जाए। लेकिन उसकी सास बहुत कम करती, और शाम को जब खाना सबको मिलता था तो हम लोग कश्मीरी लोग खाना चावल खाते हैं, थाली भर के खाते हैं, तो अगर आपको चावल भरा हुआ दिखेगा तो आपको लगेगा कि हाँ खाना ठीक से मिला। तो उसकी जो सास थी, ऐसा पढ़ने में मेरे को आया,
कि वो चावल के अंदर एक पत्थर का टुकड़ा रख देती थी ताकि चावल भरा हुआ दिखे, और किसी को नहीं लगता था कि सबकी थाली चावल से भरी है, तो लल्लद की भी थाली चावल से भरी होगी। लेकिन लल्लद कभी इस पर ऑब्जेक्ट नहीं करती थी, वो भी खाना खाती थी, खाना खाने के बाद वो सबके बर्तन धोती थी, अपना बर्तन भी धोती थी, लेकिन एक और काम करती थी, वो उस पत्थर को भी धो के वापस किचन में रखती थी। उसने ये पत्थर एक्सेप्ट कर लिया था। आप देखिए जो उस लेवल पर पहुंचा उसने दिक्कतों को भी एक्सेप्ट कर लिया कि ये भी तो उसी का भाव है। तो ओम शब्द उसमें जब अचानक गए गुरु तुझोरो, मतलब शी हैड रीच्ड टू दैट लेवल। और बच्चों के लिए तो मैं सिंपली ये बात कहूंगा कि हम लोग इतना साइंस पढ़ते हैं, मैं तो बहुत जो मेरा एरिया रहा है वो रहा है मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा फ्रॉइड को, हम लोगों ने पढ़ा डेनियल गोलमैन को, हम लोगों ने पढ़ा विक्टर फ्रैंकल को, हम लोगों ने पढ़ा कार्ल यूंग को, और ये सारे के सारे रिकॉग्निशन के ऊपर, सेल्फ रिकॉग्निशन को तो बहुत दिखते हैं। लेकिन जब मैं इनको पढ़ता हूँ और जब मैं कृष्णी शेरिज्म पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है उन्होंने कॉपी तो हमसे किया लेकिन अनुभव नहीं। डेनियल गोलमैन भी कहता है सेल्फ अवेयरनेस, लेकिन अवेयरनेस में वो लिमिट कर देता है इमोशंस पे, यानी कॉन्शियसनेस और सब कॉन्शियसनेस तक ही वो उसको लिमिट कर देता है। लेकिन कश्मीर शेविज्म उस सब कॉन्शियसनेस को अनकॉन्शियसनेस में भी ले जाता है और सुपर कॉन्शियसनेस में भी ले जाता है, यानी जो कॉन्शियस अवेयरनेस है उसके पीछे जो डार्क वर्ल्ड है जिसे हम काली भी कहते हैं, उस पर मैं अभी नहीं जाऊंगा, काली भी कहते, काली इज द डार्क वर्ल्ड, द एनर्जी, द शक्ति विच इज इन द अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ अवर साइकी, और उसके पीछे है फिर हमारा परा जिसको हम शिव बोलते हैं, वो सुपर कॉन्शियस है। और मैं जब इनको पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि यह कितना अधूरा है, लेकिन दुनिया उनके पीछे भाग रही है। स्टीफन कवी ने सेवन हैबिट लिख दिया, लेकिन किसी ने कभी ये नहीं सोचा कि ये सेवन हैबिट की इंस्पिरेशन तो भगवत गीता है, इसकी इंस्पिरेशन तो आज प्रतिविज्ञा है जिसकी डॉक्टर अरविंद जी ने बात की, क्योंकि प्रतिविज्ञा ही क्या है, प्रतिविज्ञा मीन नोइंग सेल्फ, बट नोइंग सेल्फ फ्रॉम नॉट फ्रॉम द इमोशनल पॉइंट, नोइंग सेल्फ बियॉन्ड इमोशन, बिकॉज इमोशंस में तो फिर भी द्वैत है, मैं और मेरे इमोशंस भी तो मटीरियल ही है ना। लेकिन जब हम इमोशंस को भी ट्रांसेंड कर जाते हैं तो बच्चों को भी कहूंगा, आप साइंस पढ़ते हो, थ्योरीज पढ़ते हो, आइंस्टाइन को पढ़ते हो, उसकी बड़ी फेमस थ्योरी है ई इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, बहुत लोगों को पता होगा, यानी एनर्जी इज इक्वल टू मास, मास इज इक्वल टू एनर्जी, यानी जो एनर्जी है, जो शिव है, ये जो सारी कॉन्शियसनेस है, ये एनर्जी is equal to mass, it creates mass, यानी टेबल क्रिएट किया, आपको क्रिएट किया, हड्डियां क्रिएट की, पर्दे क्रिएट किए, ये बेड क्रिएट किया, ये कंप्यूटर क्रिएट किया, एनर्जी मास क्रिएट करती है, और यही मास वापस एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये कश्मीर शैविज्म ने हजारों साल पहले दो फिलोसफीज में कहा, एक प्रतिविज्ञा और एक स्पंद। प्रतिविज्ञा डेल्ट विद सेल्फ रिकॉग्निशन एंड स्पंद इट डेल्ट विद वाइब्रेशन और प्रतिविद्या कई हजार साल। अब मैं आपको एक अंत में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी, मैं किसी फ्रेंड के साथ कश्मीर में बात कर रहा था जो लल्लद के ऊपर बहुत लोग नैरेटिव चलाते हैं कि ये तो लल्लद, ठीक है, हर एक व्यक्ति जैसे अद्वैत जी ने कहा कि हर एक कोशिश करते हैं जो स्पिरिचुअली बड़े अच्छे हों, एडवांस हों, जिनको सारी दुनिया देखती है, मानती है, हर कोई उसको ओम करना चाहता है, तो ये अच्छी बात है, उनको ओम करें, साथ साथ में उनके बताए हुए जो वाक हैं उन वाकों को भी ओम करें। परंतु एक व्यक्ति ने मुझे कहा ललवाक पे, उन्होंने ललवाक बताया, आपको पता होगा कि मैं तो पढ़ा फिर उसको बाद में, कलीमे दोरो कलीमे वसूर, उसने कहा, मैं आपको बताता हूं उसने मुझे क्या कहा, कलीमय दोरुम कलीमय वजोरुम कलीमय कोसुम पनुम पान कलीमय रुम रुम कोरुम
आतलाल को वर्सेस प्रकाश का दोनों गुस्सा उसने कहे भी थे एंड यू कहीं मैं बस पति ने मेरी और दिलाया उसको रियलाइज इट्स नॉट कहीं जब कहीं भी ऐसा ना चाहिए उस यासा जो कहीं भी क्या है यासा जो शक्ति शक्ति दोनों किस पर शक्ति तो बस ऐसा जो मंत्र आता पता चला ओम ह्रीम क्लीम चामुंडा बीचे writing. Now I am breathing deep, which is Om, deep breathe karan, which is drasa matlab, soham chale kare, soham. Om pan so drasa, which is when you Om under divan. It's a love matlab, which is Om under divan. Naay which is love human. Matlab, yehi hai Om chantar kasa hai, ishwa naay ki nishwada, ishwa naar miran, and Om chi energy. Om pan sudrasa navichas lamma. Kati bhaji dui hani man lagita. Kati bhaji dui. Dui means using duality. Ye na response ye duality ye da jan. Matlab using is baat samjho na shiz. But ye but to ho. And ye na response using ye om pan sudrasa navi just love huma yim zam at nar kera at agnas mo chus nar kera at om sri kaite baiti doi hai man lagta kishi ta doi si sana zalit pe tu mesh nay laga ta vishas te ni shiva se kasa e vadyan ivan lovely din rocket din vadya bol ge chu time tu kya etche etu vadya I just summoned them. Leadership development. I guess the Vakhs entire student development, professional development. I guess the Vakhs must agar akinsan aap bachas ki Vakh mazmaz ye explain karne in the form of his personal professional development. It's an ocean. So I'll stop here. The attention to tone badal dhanyawad kara ki mere ko mere ko थैंक यू राजी राजी की किताब आई एम शिवा एक उसका अनावरण करेंगे हम सब जितने गेस्ट हैं नीचे आएंगे और डॉक्टर उषा खेर जी हैं हमारे बीच और यहाँ भी आएंगे साथ में और प्रोफेसर बांदे जी आप भी आएंगे और शिवानी जी आप भी आएंगे क्योंकि आज की जो किताब है आई एम शिवा यहाँ पंकज जी उसका हम समाज के सामने अनावरण करेंगे किताब से आई एम शिवा इस किताब से इंस्पायर्ड बाय अशोकशीरियन का बड़ा प्राइम मैनुस्क्रिप्ट अच्छा नाम प्रतिबुद्धिया ये प्रतिबुद्धिया उस सोर्स तंत्रों तथा तंत्रों को पत्ती ब्रोड सोर्स को शिवसूत्र
मगर आत्मोदलक्ष आचार्य खेमराज जी ना श्री लेखन की भाषा श्री लेखन प्रतिविज्ञा हृदय शुदा जबान सुन प्रतिज्ञा हृदय ट्रांसलेशन भाषा प्रतिज्ञा हृदय 20 श्लोक आम इंसान खुद लेखन इमन जन तंत्र लोक प्रतिज्ञा समझ में समझ ही लेट इस कंसर्न ट्रांसलेशन पर में सुश लेखन मैं हा शरद इन पानस पे कि खेमराज जी चु वन तथ सदी मज आज ब्रो 15 ब्रो कि बहु लेखन तथ जमान कम लूकन खुद तम आम लू क्या वन मे आज तरह यह प्रतिज्ञा हृदय फिक्रि मगर मे पे कोशिश कर मे तरह फिक्रि कि बहुत अखक श्लोक कम से कम 15 लट पड़ान पत् 15 ट्रांसलेटर चीज इंटरप्रिटेशन पड़ान तो फाइनली इस किताब बने ये बने जो मैं स्टार्टस मे वो कि मतलब हम क्या है हम तो शिव ही हैं बिकॉज वाइब्रेटिंग एनर्जी से ही हमारी एक एनर्जी मतलब जैसे सागर है तो सागर की लहर है तो उस बड़े सागर की लहर है तो हम भी वही सागर हैं हम भी वही शिव हैं तो मेरी इस पुस्तक का जो पर्पज है वो ये है कि हर एक को बताना कि वॉट इज द अल्टीमेट पावर ऑफ कॉन्शियसनेस दैट इज इनसाइड यू और इस कॉन्शियसनेस के पावर को हम अपने प्रोफेशनल वर्ल्ड में पर्सनल लाइफ में सोशल लाइफ में कैसे ला सकते हैं और साइंस आर्ट इस प्रतिविज्ञा के बारे में क्या कहता है इसी को मैंने इस बुक में समेटने की कोशिश किया है मुझे उम्मीद है कि लोगों को ये पसंद आएगी और इट वुड बी अ गुड बुक फॉर द यंगर जनरेशन टू एटलीस्ट अलाइन विद दिस कॉन्सेप्ट डॉक्टर शक्के जी से आग्रह करूंगा आप सब एक एक किताब हाथ में लेंगे और बाकी प्रतिमाएं मां ललेश्वरी के साथ लेंगे आप बाकी माता ललेश्वरी की पुस्तक भी उनके ही एक पुस्तक और बोल जी तो इसके साथ उत्पल जी एक श्लोक इस आशीर्वाद राजनारू को देंगे राजनारू जी को देंगे तो मैं चाहूंगा कि इस सभागार में लोग बैठे हैं अभी कल्चरल प्रोग्राम भी होगा बच्चों का बहुत इंतजार कर रहे हैं काफी देर से वो भी यहाँ रहेंगे तो उत्पल जी एक आशीर्वाद देंगे आप ओम स्वस्ति पंथा मनुचरे सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्धता घनता जानता संगमे मही ये आशीर्वाद ये राज नेहरू जी के लिए है ये अजय बंटा जी के है जिन्होंने इतना ये सब आयोजित किया और कश्मीर शहर परिषद में ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्ष है यत्र स्वास्थ्य मयमीति विवेक स्व चंद्रमा प्रभतिवे सर्वै कापिसा विजयते शिवरात्रे सुप्रभा प्रसुरवा शिवरात्रे बहुत बहुत धन्यवाद मैं हमारे यहाँ